भगदड़ मच गई होगी बीजेपी में। देखिए ढूंढे नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ डालिए, कोई नहीं दिखे, अगर ना मिलेगा सब गए। मेरा मोदी से ये कहना है कि जिस लाइटनिंग स्पीड से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई थी, फैसला आते ही 4 घंटे के अंदर, उसी लाइटनिंग स्पीड से फिर सदस्यता बहाल करो। देश भर में कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के केस से बरी कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिजलाल खावरी हैं। खावरी जी, आज काफ़ी खुशी है आप लोगों के चेहरे पे और राहुल गांधी बरी कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे, क्या खुशी है? खुशी तो खुशी होती है, खुशी का दिन है आज, असत्य पे सत्य की जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इससे स्पष्ट हो गया है कि सत्य हमेशा जीतता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम तरीके के सगुफेबाजी करके, तमाम फर्जी वो इकट्ठा करके, एक मुकदमा लिखा करके, आज़ाद भारत में पहला निर्णय है ये, राहुल गांधी जी जैसे जनसेवी और देशभक्त के ऊपर 2 साल की सज़ा का निर्णय, ये बहुत बड़ी बात है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस फैसले से देश में राहुल गांधी जी के साथ साथ अदालत के प्रति लोगों की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की बड़ी आस्था बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से ये सवाल भी कराया है कि सबसे अधिक सज़ा देने की क्या वजह थी, ये भी सवाल। हाँ, ये भी टिप्पणी है, तो यही ये सब क्या है, ये झूठ का पुलंदा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दलील की है उन तमाम दलीलों का जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा ये फर्जी केस नहीं चलेगा और राहुल गांधी के ऊपर जो दोष है उससे मुक्त किया जाता है। विपक्ष और मजबूत होगा, इंडिया जीतेगा। देखिए सत्य में हो जाते, सत्य की जीत हुई, सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। और राहुल गांधी और आंधी को कोई रोक पाया है? ना आंधी को कोई रोक पाया है, ना राहुल गांधी को कोई रोक पाया है। अब राहुल गांधी सड़क पे से लेकर सदन तक फिर इस सरकार को ललकारेंगे, सब कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों के बाद ये सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह 2 साल का जजमेंट किस निहितार्थ के लिए दिया गया था, किस कारण से दिया गया था। बहुत तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों पे की हैं। न्यायपालिका में पूरे देश की आस्था एक बार फिर प्रगाढ़ हुई। मेरा मोदी से ये कहना है कि जिस लाइटनिंग स्पीड से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई थी, फैसला आते ही 4 घंटे के अंदर, उसी लाइटनिंग स्पीड से फिर सदस्यता बहाल करो। जिस लाइटनिंग स्पीड से उनके घर को खाली कराया गया था, उसी लाइटनिंग स्पीड से फिर उनके घर को वापस दो। देखिए वो जेड कैटेगरी हैं, उनके परिवार में लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन इस सरकार ने एक मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि राहुल गांधी की सुरक्षा जरूरी है, उनका घर खाली न कराया जाए। इस स्तर के बैर भाव रखने वाले बीजेपी और मोदी जी के, ये देश देख रहा है मोदी जी कि आप किस प्रकार से देश के सबसे संवेदनशील व्यक्ति जिसके ऊपर जान माल का खतरा है उसके प्रति जरा सा भी आपने नरमी नहीं बरती कि उसके घर को तो सुरक्षा के दृष्टि से बहाल रखना चाहिए था। भगदड़ मच गई होगी बीजेपी में। देखिए ढूंढे नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ डालिए, कोई नहीं दिखेगा ना मिलेगा, सब गए। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह थे, जिन्होंने बताया कि अब जो है भगदड़ मचेगी बीजेपी में, अब वो ढूंढे नहीं मिलेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिम राज खान, लखनऊ।